हाँ जी, तो वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज देख रहे हैं आप रॉय क्रूजर को, जहाँ की आई एम ड्राइविंग फ्रॉम भुवनेश्वर टू माय होम टाउन, दैट इज झारखंड गिरिडीह। एंड द डिस्टेंस इन बिटवीन भुवनेश्वर एंड माय होम टाउन इज अराउंड 550 किलोमीटर, जिसमें से हम कुछ दूर चल चुके हैं अभी। हम लोग एक्चुअली भद्रक के आसपास है। हुआ क्या कि जो गाड़ी के साथ 10 लीटर्स का जो है फ्यूल मिला था मुझे कंपनी की तरफ से फ्री, अभी आप देख सकते हैं मैं हैरियर चला रहा हूँ। एंड इसमें मैं क्या दिखाना चाह रहा था, अभी मैंने फ्यूलिंग कराया, उसके बाद से मैं जीरो किया, ट्रिप पे जीरो किया, और वहां से मैं नया स्टार्ट किया हूँ। फिर से देखना चाह रहा था क्या एक्चुअल माइलेज मिलेगा। डीजल इंजन है, नो डाउट जबरदस्त पावर है। कितना एक्जैक्टली 200 के आसपास का इसका बीएचपी है, मैं भी चेक करूंगा। मैं भी एक्जैक्टली याद नहीं है तो मैं इन्फॉर्मेशन वो नहीं दूंगा। आप देख सकते हैं जो माइलेज करंट मुझे मिल रहा है एवरेज 20.921 का, और ये कितने में है 9.1 किलोमीटर, मैं बता रहा हूँ 9.2। देखिए 10 किलोमीटर के आसपास मैं चलाया हूँ फ्यूल डलवाने के बाद इस वाले हाईवे पे, जो कि कटक के बाद ये जो स्टेट जाएगा खड़गपुर की। आज रात एक्चुअली खड़गपुर में रुकेंगे, बिकॉज टाइम अभी काफी लेट हो चुका है, 6 बज चुका है शाम, निकलते निकलते लेट हो गया भुवनेश्वर से। लेकिन अब माइलेज देखिए 21.4, मतलब क्या जबरदस्त माइलेज है। मुझे वरना वाली फील आ रही है माइलेज के टर्म्स में, जो मुझे मिलता था उसमें 20+, एंड पावर के टर्म्स में तो अब देखा जाए तो उसका बाप है ये, क्योंकि इसमें गजब का पूल है। मैं अभी दिखाना नहीं चाह रहा कि फालतू के एक्सपेरिमेंट में माइलेज गिरेगा। और हाँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ 100 के आसपास, मतलब ऐसा नहीं कि मैं 56 चल रहा हूँ, अदरवाइज माइलेज भी गिरेगा, और ना ही 100 से प्लस चला रहा हूँ अभी, क्योंकि न्यू इंजन है। अब देखिए टोटल कितनी चली है, 134 अभी जो गाड़ी, नीचे ऑडोमीटर का दिख रहा होगा तो 134 किलोमीटर चला है टोटल अब तक गाड़ी जब से बन मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, जो कि आज मैं ही चलाया हूँ इसको अराउंड 100 किलोमीटर, कुछ 40 के आसपास चला हुआ था सुबह जब मैं डिलीवरी लेने गया था गाड़ी को। ट्रायल वगैरह होता है, टेस्टिंग वेस्टिंग, मूवमेंट वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह में, उसके चक्कर में हो जाता है। और अभी जो है हम चला चुके हैं फ्यूल, फ्यूलिंग हमने कराया वहाँ पे, एक्चुअली हाफ टैंक मैंने डलवाया, 2000 का डलवाया, ऑलमोस्ट हाफ टैंक हो गया मेरे ख्याल से। इसका जो कैपेसिटी है टैंक का वो समय क्लोज टू 50 लीटर होगा फॉर श्योर, जो भी है 40 से डांस में भी होता है, 50% होगा। तो मैंने 2000 का डलवाया, देखते कितना किलोमीटर चलता है, मैं देखना चाह रहा था। गाड़ी ने दिखाया जो एक प्रोजेक्टेड होता है 160 का कि रेंज रहेगा 160 किलोमीटर का, मैं इसको प्रूफ रॉन्ग करूंगा, क्योंकि ये 20 के आसपास अगर मैं माइलेज निकालता हूं तो बाय डिफॉल्ट वो कहीं ना कहीं 400 किलोमीटर के आसपास चलेगी, ये जो मुझे बिलीव नहीं हुआ था। मैं तो खुश था कि अगर 17-18 आ गया हाईवे पे तो मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कोई छोटी गाड़ी नहीं है, मतलब कि बीट या छोटी गाड़ियाँ होती है, हैचबैक नहीं है कि आपको यू नो हैवी माइलेज मिलेगा, ये बड़ी गाड़ी है, प्रॉपर एसयूवी है, इस ह्यूज, इस जायंट। तो यहाँ पे आप ना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो 20 के आसपास माइलेज, 15+ दे दिया तो थैंकफुल हो आप, क्योंकि 2 लीटर का इंजन है इसका डीजल। बट आप देख सकते हो मुझे क्या माइलेज मिला, 20+ मिल रहा है हमेशा, 20.3 अभी है क्योंकि ये फ्लाईओवर आया, थोड़ा सा एवरेज गिरा है, बट ठीक है 20+ है। मैं 18+ में भी काफी खुश हूँ, 20.5, 21.3 सब तरह का जा रहा है, 20 से नीचे नहीं जाऊंगा मैं इसको लेकर के। एंड मेरी स्पीड आप देख सकते हो अभी भी 90 पे है। तो कुल मिला के काफी मजा आ रहा है, गजब का परफॉर्मेंस है, गजब का पिकअप है, मैं दबाता हूँ, जबकि मैं चल रहा हूँ इकॉनमी सिटी मोड में। अभी आप देख सकते हैं इसको मैं इकॉनमी मोड में टर्न कर देता हूँ, इकॉनमी मोड में डाल देते हैं, उसके बाद देखिए मैंने जब किया तो टाटा की जो असिस्टेंट है फीमेल, वो बोलती है कि इकॉनमी मोड जो है हो चुका है एक्टिवेट। तो मैं देखता हूँ इकॉनमी मोड में क्या चेंजेस आता है, हमें सुनते हैं कि इकॉनमी में अच्छा सबसे अच्छा माइलेज आता है। मैं तो पहली बार ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे तो अच्छा ही माइलेज मिल रहा है सिटी मोड में भी। स्पोर्ट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज विदाउट स्पोर्ट्स का इसका काफ़ी पावर, मैं किसी को भी ओवरटेक कर सकता हूँ। सॉरी मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि मतलब नहीं है, बट मुझे इनफ पावर मिल रहा है, इनफ पुल है गाड़ी में। जबकि हम और साथ में देखिए कौन बैठा हुआ है, हमारा शिकारी भाई अंकित है, और गाड़ी लोडेड है, मतलब कि काफ़ी सामान है, बूट पूरा भरा पड़ा है, बैक सीट पे भी थोड़ा बहुत सामान है, तो अच्छा है, अच्छा परफॉर्मेंस, काफ़ी मज़ेदार है। कैबिन देख सकते हैं काफ़ी साइलेंट है, बाहर से नॉइज़ ऑलमोस्ट 9 के बराबर है, 0 के बराबर है, और स्टेयरिंग काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी हाँ हाँ क्या चीज़ तो 20 दे रहा है, हाँ 20.8 अभी भी दे रहा माइलेज, और स्पीड भी देख लो आप 90 के आसपास है, इकॉनमी में डालें थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है मेरे ख्याल से, बता रही। और चलाने पर डिपेंड करता है, आप लाइट फुट पेडल पे जो है ना, लाइट फुट रखिए, मैनुअल है, अब 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो ऑटोमेटिक गाड़ी मुझे पसंद नहीं है। और इस सब का फीचर्स वगैरह जो है तो है ही, चलो आईफोन कनेक्ट हो गया डायरेक्ट उसमें, कार प्ले का जो एंड्रॉयड ऑटो वगैरह रहता है उसका सब कुछ है फीचर इसमें। वेंटिलेटेड सीट्स हैं इसमें, प्लास्टिक लगा हुआ था कवर, दोनों सीट का हटा दिए हैं, उसमें बटन दिया हुआ है वेंटिलेटेड, अभी हम पीछे से काफ़ी हवा ले रहे हैं नीचे से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है, अभी तक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस। देखिए 14.3 किलोमीटर चल चुका है, एंड एवरेज माइलेज 21.0 किलोमीटर पर लीटर, आप समझ रहे हैं इतनी बड़ी एसयूवी में अगर 21 के माइलेज हमको मिल रहा है, हालांकि हम इसको आराम से चलाएं 80-90 के बीच में, 21.2 हो गया,
तो इसको हम 25 तक निकाल सकते हैं, ये मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि मैं वरना मैं यही करता हूँ। बट थोड़ा जल्दी में भी रहेंगे तो भी 18 प्लस 100% ये डिलीवर करेगी, जो कि आई पॉपिंग ये है माइलेज है। मेरे ख्याल से ये वीडियो मैं डालूंगा तो लोगों को काफी पसंद आएगा। और कुछ क्वेश्चंस अगर आपको हैं कि कैसे हो रहा है, कैसे आ रहा है, तो आप डेफिनेटली राइट डाउन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा कि क्या कुछ ट्रिक्स है छोटे मोटे जो आप यूज करोगे। जैसे कि फ्लाइवर यहाँ पे है, यहाँ पे मैं 90 के स्पीड पे आगे थोड़ा सा रस है, तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल कर देता हूँ क्लच को दबा करके, नॉट बाय ये गियर बॉक्स से, मैं क्लच को न्यूट्रल कर दिया प्रेस करके क्लच ब्लेड को। अब क्या है कि इतना दूर मैं नीचे उतर गया, अब देखिए माइलेज बड़ा होगा 21.4। ये हर बार यूजुअली होता है हाईवे पे, क्या होता है ना फ्लैट रोड पे कुछ मतलब नहीं है कंटिन्यू दबाने का एक्सलेटर इसको पेडल को, तो बताएंगे इसके बारे में अलग से बात करेंगे। पहले परफॉर्मेंस आज देखते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे देखते हैं 21.5 पे। अब थोड़ा सा यहाँ पे रस है तो हल्का फुल्का गिरेगा माइलेज 0.1-0.2 का, बट एनीवेज कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 20 प्लस है, अभी भी 21 प्लस है, फॉरगेट अबाउट 20, जो कि काफ़ी शानदार है और मैं काफ़ी अमेज्ड हूँ। और सस्पेंशन वगैरह आप देखो, जरा सा भी नॉइज नहीं अंदर, छोटे मोटे ऊबड़ खाबड़ जो जगह है वो तो पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी निकलते हैं, थोड़ा सा नाइट ड्राइव भी होने वाला है। अभी देखिए ऑटोमेटिक, मैं इसमें ऑटोमेटिक दिया ये हेडलैम्प्स वगैरह दिया हुआ है, एंड इवन रेन सेंसिंग वाइपर है, ये ORVM भी ऑटोमेटिक है, तो काफ़ी कुछ फीचर्स हैं, लोडेड हैं पूरी तरह गाड़ी पूरी तरह से। एंड अभी जब थोड़ा सा डार्क हुआ तो ऑटोमेटिक जो है फॉग लैंप्स वगैरह ऑन हुआ है, उसका भी ना ब्राइटनेस वेरी होता है। मैं एक चीज़ देख रहा था, जब ऑन करता हूँ तो ज़्यादा आता है, लेकिन वो ब्राइटनेस बाहर का देख करके उस हिसाब से लाइट का ब्राइटनेस भी सेट करता है ऑटोमेटिक, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। छोटे छोटे फीचर्स पर काम किया टाटा ने, एंड काफ़ी इंप्रेसिव बना दिया इस गाड़ी को। तो देखिए मैं ट्रैफिक में खड़ा रहा था, 21.1 गया, तो इसी तरह थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट अगेन 20 प्लस जब तक है मैं काफ़ी खुश हूँ। जो थोड़ा सा गिरा है अभी 0.5, मैं आगे निकाल लूँगा अभी फिर से 2 किलोमीटर में। तो और एसी वगैरह सब कुछ चल रहा है, मस्त चिलिंग है काफ़ी मेरे ख्याल 24 पे भी इतनी ठंड लग रही है कि हमें बंद करना पड़ जा रहा है एसी को, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है। 25 पे भी चल रहा है, देखिए टेम्परेचर दिख रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे, काफ़ी अच्छा है, चिल है। और हाँ, मैंने सनरूफ भी ऑन कर रखा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो पैनोरामिक सनरूफ है, जो कि काफ़ी मज़ेदार व्यू देता है इस गाड़ी को, और पूरा एयरी लग रहा है एकदम। कैबिन हमने ओपन कर दिया इवनिंग जब हुआ, तो सनसेट के आसपास जब टाइम हुआ तो हमने हटा दिया उसको सनरूफ को। देखिए फिर से हाँ, तो अभी चलते हैं आगे, ड्राइव करते हैं सेफली। न्यू गाड़ी है, कोई रिस्क नहीं लेना है, एंड देन जो है उसके बाद इस पर बात करेंगे। BH वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारा, जिसको मैंने पहले मेंशन किया है, जो फर्स्ट इंट्रो वीडियो मैंने डाला है आज डिलीवरी वाले में, उस पर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं पर्टिकुलरली ओनली फॉर द BH सीरीज कि कैसे मिलता है, उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, और आप कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं अपने आसपास के जो भी RTO ऑफिस है वहां से, उस पर बात कर। स्टे ट्यून्ड, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी बैक टू बैक जितने मेरे ब्लॉग्स आएंगे अब सारे ब्लॉग्स इसी में होगा, वरना को अब रिटायरमेंट देने वाला हूं मैं, क्योंकि उसको मैं बहुत ही ज्यादा जोड़ लिया हूं उस गाड़ी को। तो स्टे ट्यून्ड, इस वर्जिन कार का एक्सपीरियंस लेते हैं एंड आपको भी देते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो हमने ड्राइव कर लिया ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, 98.5 अभी तक, एंड एवरेज माइलेज अभी जो है कम गिरा है, एक्चुअली थोड़ा सा नीचे गिर गया है, जो कि तब दिख रहा होगा 17 का है। तो 17 इसलिए हुआ है क्योंकि अभी मेरे ख्याल से इस आउट ऑफ 100 70 किलोमीटर जो है और मेरा इसी तरह चल रहा था कि अभी भी एक डाइवर्सन में ही है, पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा का पूरा NH जो है ये 16 पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन में है, हर जगह वन वे किया हुआ है, दोनों साइड से गाड़ियाँ आ रही है कि रोड पे या तो डाइवर्सन है, तो जगह ही नहीं मिल रहा, रूम ही नहीं मिल पा रहा चलाने के लिए। और आप लाइट का थ्रो देखिए काफ़ी अच्छा है, अभी ये देखिए ये लो बीम है, और ये देखिए ये लो बीम है या हाई बीम है, तो लो बीम भी काफ़ी अच्छा है उसमें थ्रो, कि उसमें प्रोजेक्टर दिया हुआ वाइट लैम्प है उसमें, और नॉर्मल हैलोजन है हाई बीम में। तो मेरे ख्याल से मैं ठीक हूँ, कि मुझे पता है मैं किस तरह के रोड पर चला रहा हूँ इतने देर से, लगभग ऑलमोस्ट 2 आवर्स से ज़्यादा हो चुका है, चली नहीं रही गाड़ी, चली नहीं पा रही है, 1 किलोमीटर भी ऐसा जगह नहीं आता जहाँ थोड़ा सा स्पीड हम मेंटेन कर सके। तो उस हिसाब से माइलेज ठीक है 17, क्योंकि नॉर्मल गाड़ी हो तो मेरी गाड़ी में भी गिर जाता है, सिटी की ड्राइव की तरह मुझे फील आ रहा है। देखिए वैसे थोड़ा सा अच्छा रोड है खाली, लेकिन ये तुरंत फिर आगे जाकर डाइवर्जन शुरू हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है 17 एवरेज अभी तक जो 100 किलोमीटर का आया है लास्ट, 99.4 देखिए अभी हो गया, तो अच्छा चल रहा है फिलहाल। अब मैं एक बार रिव्यू तब करूंगा, मतलब कि जब लास्ट पहुंच जाऊंगा खड़गपुर के, मेरे ख्याल से बालेश्वर के बाद खाली रास्ता होना चाहिए विदाउट कंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्पीड मेंटेन होगा, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा अच्छा माइलेज, स्पीड मेंटेन हो जाएगा। बट अच्छा पोटेंशियल है इस गाड़ी में अप टू 20 देने का, एंड ज़्यादा रफ भी चला दे तो भी 16-17 तो निकाल ही सकते हो आप, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है मेरे ख्याल से, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अब तक ड्राइविंग का, क्योंकि आप ना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा माइलेज इसी गाड़ियों में, बड़ी गाड़ी है जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ।
तो वो हिसाब से काफ़ी अच्छा है। एंड मैं थीम बदल चुका हूँ, अभी देखेगा जब उसमें देखेंगे वीडियो में तो ब्लू थीम था, अभी मैं इसको येलो थीम कर दिया हूँ नाइट के लिए। एंड ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है इसमें सब कुछ, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का। तो नाइट में इसके थोड़ा मैं वार्म कर दिया थीम, थीम आप चेंज कर सकते हैं, अलग अलग कलर है सबका, कलर का भी रेजोल्यूशन हाई लो कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ है इसमें फीचर्स छोटे छोटे, और भी मैं बात करूँगा आगे। अभी पहले कुछ खाने के लिए हम लोग खोज रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़ोर से, तो देखते हैं कुछ पहले खाते हैं फिर जो है मिलते हैं आगे आपसे। हाँ जी, तो रात के 12 बजने वाले हैं, 11:54 हो चुका है, और हम जो है खड़गपुर इन कर रहे हैं। नेक्स्ट 2-3 किलोमीटर में खड़गपुर आ जाएंगे जहाँ पे स्टे करना है। एंड मैरिज दे सकते हैं, टोटल आया है 17.2 किलोमीटर पर लीटर, और हमने चलाया है 275 किलोमीटर, एग्जैक्ट 274.6 हो गया, अभी 275 किलोमीटर्स हो गया। तो मेरे ख्याल से 275 किलोमीटर में जो है इसमें 200 किलोमीटर जो था वो रफ रोड था, और सिर्फ डाइवर्सन्स थे जहाँ पे इस तरह का भी रोड नहीं था, अभी चल रहे सिंगल लेन, पूरे ट्रक्स पे जाम, स्पीड नहीं मेंटेन हो पा रहा था। तो उस हिसाब से मैं देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहा 17.2 इस गाड़ी के लिए। कल का जो है एक फिर से यहाँ से घर भी जाना है, ये अभी हुआ 300 किलोमीटर के आसपास, एंड दिस इज़ द मिड पॉइंट मेरे होम टाउन का, आधा और इतनी जर्नी होगी। कल वाले में देखेंगे, उसमें मिक्स क्राउड आने वाला है, अच्छा हाईवे है, थोड़ा सा एवरेज है रोड कहीं कहीं, तो देखते हैं कैसा कल का ही परफॉर्मेंस रहता है। दोनों मर्ज करके जो है डालेंगे, ये अभी ख़त्म नहीं करेंगे ब्लॉग, ये कल फिर से कंटिन्यू होगा सुबह, तो स्टे ट्यून्ड।